अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और ऐसे मुझे मेरी फैमिली को बहुत सारा प्यार देते रहें। तो जनाब, आज हम लेके जा रहे हैं ईसा को बाहर, ग्रॉसरी करनी थी तो हमने कहा क्यों ना ईसा को साथ ले जाते हैं। और मैं पहन रही हूँ अपना ये सिंपल सा बहुत खूबसूरत सा एलिगेंट सा ड्रेस, जिसके साथ मेरी पसंद की शलवार है, मुझे ये शलवार बहुत पसंद है। और साथ ईसा का वो जो कल वाले व्लॉग में आपने शर्ट देखी थी, ये वाली ईसा की शर्ट, और साथ ये शॉर्ट्स पहनाने लगी हूँ। एंड देन मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं, इन पे थोड़ा सा आयरन की ज़रूरत है आई थिंक सो, और जल्दी जल्दी हो जाते हैं तैयार, रेडी शेडी हो जाते हैं। और साथ अपने बालों का कलर भी चेक करवाऊंगी, जो कि मैंने कल वाले व्लॉग में अपने हेयर कलर किया था, बहुत अच्छा कलर आया है माशाल्लाह। तो जल्दी से हो जाते हैं रेडी और फिर चलते हैं माशाल्लाह। आज मैंने वैसे व्लॉग काफ़ी लेट शुरू किया है, तो जनाब व्लॉग थोड़ा लेट शुरू किया है, जल्दी जल्दी होते हैं रेडी, जब तक ईसा उठता है, फिर ईसा उठेगा तो उसे करेंगे तैयार। यहाँ हम ईसा को मना रहे हैं कि सूट चेंज कर लो फिर हम चलें, जल्दी जल्दी सूट चेंज कर लो ना फिर चलें, चलो शाबाश, रेडी हो जाए मेरा शहजादा। हो गई हूँ मैं रेडी, ईसा को अभी उठाया और रेडी करवाने लगे हैं। ये है जी मेरी मेरा हेयर कलर जो मैं कल लेके आई थी, मैंने किया था, सो अमेजिंग शाइन, चेक करें। ये उसी के साथ जो कंडीशनर आया था वही यूज़ किया था मैंने, शैम्पू भी नहीं किया, और इतनी खूबसूरत शाइन आई है बालों में माशाल्लाह। बहुत डल हुए हुए थे मेरे बाल और अच्छे हो गए हैं इसकी वजह से। बाकी मैंने सारी डिटेल आपको कल वाले व्लॉग में इस कलर की दे दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और ये है मेरी आज के लुक, पर पीछे ईसा के कपड़ों को इग्नोर कीजिएगा, ईसा को हम लड़के कपड़े चेंज करवा। और ये मेरे न्यू शूज़ जो आज मैं वेयर कर रही हूँ स्टाइलों के, क्योंकि इजी पीजी है ना, चलना आसान होगा मुझे, ये वैसे अनकम्फर्टेबल थोड़े से इस वाले पाँव से लग रहे हैं कि लगे ना, जाके चलना भी तो होता है ना, इसलिए मुझे हमेशा जूतियों का, इतने शूज़ मैं लेती हूँ, मुझे हमेशा कोई ना कोई इनसे ना गिला ही रहता है शूज़ के साथ। और मैंने इतने प्यारे पर्ल्स वाले इयररिंग्स पहने हैं साथ, लुक सो स्टनिंग मेरा शहजादा। इधर देखो दोनों कैसे लग रहे हो, इधर आके देख, इधर देख, वाह जी वाह, अच्छा आ जाओ चले। तो हम लोगों ने पार्किंग कर दी है इधर, ईसा को लेके जा रहे हैं हम एम्पोरियम, एम्पोरियम जा रहे हैं। मेरा यूट्यूबर छोटा सा, आई थिंक सो ये जनरेटर की आवाज़ आ रही है ना, सारी पार्किंग है। एंड देन हम पहुंचने वाले हैं, क्या हुआ ईसा क्यों नाराज हो रहा है, कह रहा पार्किंग में जाना है, बेटा वो तो पार्किंग है, ऊपर जाना है हमने, इधर से चलते हैं, वो सामने से चलते, ओए मैंगो पार्टी हो रही है वहां, तो वो देखो गाड़ी ऊपर है, वो मैंगो फेस्टिवल चल रहा है आई थिंक सो। यहाँ प्यारे लग रहे हैं, पिक बनाओ, चलो आओ चले, वो बाबा ग्रॉसरी करने चले गए, देखा इसलिए नहीं मैं आपको कहीं साथ लेके आती, चलो आज बाबा ने आज आपको रेडी करवा लिया कि इसे रेडी कर दो, हम इसे साथ लेके जाते हैं, आप इधर आके तंग करने लगे, आओ ग्रॉसरी करने चले। देखा इधर आते ही हम लोग, कह रहा है कि वो जो मैंगो थे ना वो मैंने उठाने, बच्चों की बच्चों वाली सी, और अब हम यहाँ पे खड़े हुए बाहर के, हमने ग्रॉसरी सेंटर चले हैं आगे, वो नहीं कहता नहीं जा, चलो आओ ऊपर फूड एरिया में चले, बस इसने मैंगो ही ले तो आंवला ट्रॉली ले ले, ट्रॉली पे बैठ के आप ले लेते हैं।
चलाओ तो जल्दी चलाओ लेकिन चलाओ लेकिन मान गया वाह जी वाह। अच्छा नहीं इधर बैठ जाओ इधर अंदर खड़ा होने बड़ा लेना बड़ा बड़ा शहजादा मेरा आ रहा है बहुत ज्यादा तो इधर भी मूड खराब बड़े वाला मैंगो इधर भी है भाई वो आगे जाके हम चलते हैं ना उधर भी है पूरी गाड़ी ओए खुरम साहब इधर नहीं आए करोला कटा खोल लेना अपन ये वाले मोटरसाइकिल की प्राइस चेक कीजिएगा हाँ ये भी लेके लेता हूँ ये पता करो मेरे ईसा को ये वाली बाइक चाहिए तो इंशाल्लाह मैंने ले देनी है कुछ दिनों में मैं इसके प्राइस रेट चेक कर रही थी यहाँ चेक कर लेते हैं इसके अलावा और भी कहीं चेक कर लेंगे देखें ना ये 1000 ऑफ भी चल रहा है इस पर 1000 ऑफ ये वाली भी प्यारी है ये वाली भी प्यारी है वाइट वाली भी प्यारी लेकिन उसे बाइक चाहिए बाइक अच्छी है प्राइस इसकी है 31,999 रुपए यानी कि 32,000 की हम यहाँ पे एसी चेक कर रहे हैं पर नहीं सका वही मैं मशीन चेक कर रही थी ऑटोमेटिक हमारे घर जैसे कि आप लोगों को पता ही है दूसरी वैसे दूसरी हैं अब मैं चाह रही हूँ कि मैं नीचे लगा लूँ तो ये अच्छी हैं ये दोनों अच्छी हैं वो वाली और वो वाली वो वाली दोनों तीनों अच्छी हैं ये वाली जैसे उसे मनाया कोक दे के यहाँ पाकिस्तानी कोई ब्रांड नहीं है कोक पेप्सी कोक में बस मिलेगी यहाँ और कोई ब्रांड नहीं है उसे आखिरकार हमने कोक दे के मनाया ईसा मिल गई है आपकी कोक ईसा इधर देखो मिल गई है कोक ना जी क्या लेना है खाने की चीज़ में पिज़्ज़ा लेना है तो आपने एक कोक क्यों ली है ये तो गंदी होती है ये तो गंदी होती है गला आगे खराब है तो खुरम साहब कुछ खाने पीने के लिए ईसा के लिए लेने लग क्योंकि वो जिद कर रहा है कि मुझे भूख लगी है ईसा को है ईसा और कोई भी चीज़ के पास हम खड़े होते हैं तो आगे से जिद करना शुरू कर देते हैं मुझे लगता है कि हमें कल आना पड़ेगा ये देखिए अभी थर वाले अभी थर से रहते हैं सही होने वाले ऐसे माशाल्लाह ठीक हो गए मैं पील ऑफ नेल पेंट लगा के आई थी वो आधा आधा उतर गया ये वाला ठीक है दूसरा उतर गया आपको भी देर है आप उसको अच्छे लगे हो फैन को हाँ जी उन्होंने लगाया ग्रोसरी स्टोर वालों ने लगाया बाबा वो ले रहे पिज़्ज़ा ले रहे हैं और विंग्स ले रहे हैं आपके लिए हाँ जी हमें यहाँ सिटिंग एरिया इन्होंने ना सिटिंग एरिया बना दी अच्छा अच्छा आप ऊंचा बोलो मुझे सुनाई नहीं दे रही आपकी प्यारी प्यारी बातें अच्छा ये आ गए हैं मंगवाए थे चिकन पीस आ गए एंड सिंगर रह गए हैं तो बाबा आएंगे तो फिर हम शुरू करते हैं हम यहाँ ग्रॉसरी करने आए थे भूख लग गई और तकरीबन 10:05 हो गए हैं 11 बजे मॉल बंद हो जाता है
मुझे नहीं लग रहा कि आज हमारी ग्रॉसरी हो पाएगी। ये मज़ेदार लग रहे हैं, क्रिस्पी, भूख लगी है। चलो अभी स्टार्ट करें। ये साहब के लिए बर्गर भी लेके आए हूँ, मम्मी साहब के लिए बर्गर भी लेके आए। ये पकड़े, बाइट करें, बाइट छोड़ो। ये ऐसे ऐसे तो काट, इसे फाड़ लेते ना ताकि इसी पे रख लेते। खा लो। ये लो। टाइम भी हो गया, 10:06 हो गए। और ईसा की जिद में हमने सारा कुछ बंद हो गया और हम खा पी के ईसा के साथ वापस हो लिए। नैसा आ रही है। सब बंद हो गया। अब ईसा को कल घर छोड़ के फिर ग्रॉसरी करें। आपने करनी ही नहीं थी, आप जिद कर रहे थे। अच्छा, अब नहीं जिद करते दोबारा। चलो ठीक है, सब बंद हो गया, उधर से सब बंद हो गया, पूरा हाइपर स्टार बंद हो गया। उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि अपने आके कैश काउंटर पे अपने बिल करवा लें आके। एंड हाँ जी, सारे बंद हो गए। हाँ जी, अब खुरम साहब कैश काउंटर पे इसका बिल करवा लें। आ रहे, मज़ा आया ईसा को? मजा आया। आपने तंग तो इतना किया, हमें कुछ खरीदने तो दिया नहीं, देखने भी नहीं दिया। अभी हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थे आई थिंक, सो सिर्फ नीचे नीचे हम ग्रोसरी सेंटर गए हैं, कुछ खाया पिया है। एंड देन ईसा की जिद स्टार्ट थी फुल ऑन। और यहीं आज के व्लॉग का करते हैं एंड। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट। अल्लाह हाफिज़।